नीली जर्सी में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने वाले रोहित शर्मा का जब बल्ला चलता है तो हर गेंद बाउंड्री के पार ही नजर आती है। गेंदबाजी का आक्रमण कितना भी मजबूत हो, एक बार रोहित सेट हो गए तो फिर सब सेट हो जाता है। मोहाली में श्रीलंका के साथ खेले गए दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने दोहरा शतक जड़कर दुनिया को फिर समझा दिया कि क्यों उन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहा जाता है। रोहित की बल्लेबाजी के किस्से तो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, लेकिन अभी हम आपको ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जिसे तोड़ने की ख्वाहिश तो हर बल्लेबाज की होती है, लेकिन रिकॉर्ड है कि पहाड़ जैसा अचल है। 2004 में वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 400 रनों की पारी खेली थी। 13 साल हो गए लारा के 400 रनों का ये रिकॉर्ड आज तक भी बरकरार है। ब्रायन लारा के बाद दुनिया का कोई भी बल्लेबाज आज तक इस कारनामे को दोहरा नहीं पाया है, लेकिन रोहित के 3 दोहरे शतक बताते हैं कि अगर उनका बल्ला चल गया तो फिर लारा का ये रिकॉर्ड तोड़ना भी उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की शैली ऐसी है कि वो शुरुआत में थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन एक बार उनकी आंखें जम जाए तो ये रोहित शर्मा का निर्णय होता है कि वो गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाएंगे या फिर सम्मान देंगे। ऐसे में रोहित को अगर टेस्ट में आगे खेलने का मौका मिल जाए और एक बार उनकी आंखें जम जाए तो फिर उन्हें 100 को 200, 200 को 300 और 300 को 400 में कन्वर्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि फिलहाल टेस्ट में टीम इंडिया की जो स्थिति है वहां रोहित शर्मा को कभी जगह मिलती है तो कभी नहीं। रोहित को जगह मिलती भी है तो वो ओपनिंग के बजाय पीछे खेलते हैं। ऐसे में लारा का रिकॉर्ड टूटे भी तो कैसे? अब टीम इंडिया के समीकरण कैसे बनेंगे इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं रोहित वनडे में 3 दोहरे शतक मार लिए, टेस्ट में एक चौहरा शतक मार दो। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही इस पर अपनी राय जरूर रखें कि रोहित चौहरा शतक मार सकते हैं या नहीं।